कहाँ गायब हो गए पवन सिंह। जी हाँ, आपने हमारे थंबनेल से पहचान लिया होगा कि हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं। पवन सिंह से रिलेटेड जितने भी फैन हैं काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं पवन सिंह से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पवन सिंह ना कोई गाना पेश कर रहे हैं अपने फैंस के लिए, ना ही कोई ऐसा एक्साइटिंग स्टेज शो आ रहा है जिसे देखने के बाद दिन बन जाए। तो बहुत सारे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह गुमशुदा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बीच बीच में उनके शूटिंग की जो तस्वीरें हैं उसी से ही फैंस संतोष कर रहे हैं, साथ ही जो म्यूज़िक वीडियोज़ की भी तस्वीरें हैं कभी कभी वो भी संतोषजनक ही स्थिति में आ रही हैं। तो ऐसे में फैंस जो हैं वो लगातार ये जानना चाहते हैं पवन सिंह आखिर कर क्या रहे हैं जो वो इस कदर गायब हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि धैर्य रखिए, पवन सिंह कहीं गायब नहीं हुए हैं, पवन सिंह बनारस में ही। आप कहेंगे भाई बनारस में तो हर हर गंगे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो फिर क्या कर रहे हैं। तो भाई पवन सिंह के दूसरे फिल्म की शूटिंग भी बनारस से ही स्टार्ट होगी और कई अन्य जगहों में, यूपी के कई अन्य जगहों में शूट भी होगी। खैर यहाँ पर हम आपको बता दें कि रजनीश मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं और फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। और इस फिल्म की हीरोइन आप सभी को पता है कौन होंगी, स्मृति सिन्हा, जिनसे पवन सिंह के शादी की खबरें तक उड़ चुकी हैं कि इन दोनों ने बकायदा शादी कर ली है। अब आगे आपको बताते हैं कि पवन सिंह क्या, क्यों, कब आएंगे। तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह अभी कुछ समय तक बनारस में ही रुकेंगे क्योंकि उनके नए फिल्म की जो शूटिंग है वो यहीं पर होगी। तकरीबन 20 से 25 दिन का शेड्यूल बताया जा रहा है। फिर उनके गाने की बात करें तो आप सभी जानते हैं पवन सिंह ने दो गाने शूट किए हैं। हाँ, ये दोनों गाने जल्द ही रिलीज़ भी कर दिए जाएंगे। बहुत नाराज़ हैं फैंस क्यों पवन सिंह इतने लेट गानों को लेकर आ रहे हैं। तो आप ये जानिए कि पवन सिंह ने अभी से नहीं, आपने गौर किया होगा पिछले 2 से 2.5 सालों के बीच में ही पवन सिंह ने ये सब कुछ मेंटेन कर लिया है कि उन्हें बेवजह के थोक के भाव के गाने नहीं लेकर आने हैं। जी हाँ, वो थोक के भाव के गाने नहीं लेकर आएंगे, जो भी लाएंगे दर्शकों के लिए अच्छा लाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब भी पवन सिंह कुछ भी लेकर आते हैं वो ट्रेंड होता है, लोगों को पसंद आता है और उसमें उतना काम होता है। आजकल ये भी अफवाह उड़ रही है कि पवन सिंह मेहनती नहीं है, पहले की तरह मेहनत नहीं करते हैं। तो भाई आप ये लॉजिक सोच कर देखिए, कि ज़रा लॉजिक लेकर सोचिए कि जब कोई अपने करियर के शुरुआती दिनों में होता है बहुत काम करता है, उसकी साल में तकरीबन 5 से 6 फिल्में हो जाती हैं, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो वो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी वाइज काम करता है। और पवन सिंह वही काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज काम कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह के कई फैंस हैं जो उनके विरोधी भी हो गए हैं, लेकिन खैर आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपके सुपरस्टार हैं। आपसे ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आना है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।